हेलो, राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? जरूर बताइएगा। अभी बज गए हैं सुबह के इस समय 12, दोपहर होने वाली है, कुल मिला के 12 बज गए हैं। और मैंने क्या है, आज खाना मेरा सुबह नाश्ता बना दिया था, खा लिया। सुबह थोड़ी तबीयत डाउन थी, अभी ठीक हूँ, तो मैंने जो है नाश्ता वगैरह कर लिया, तो अब अच्छा लग रहा है। अब मैंने दाल चढ़ाई है यहाँ पे, रोटी वगैरह पहले ही सब बन गया है। अब सिर्फ दाल गरम गरम, मैंने कहा गरम गरम पियेंगे, थोड़ा सा बीबू भी आएंगे तो उनको भी हल्की सी जुकाम है, तो वो दाल गरम गरम पियेंगे तो उनको अच्छा लगेगा। इसलिए बाहर खूब तेज धूप खिली हुई है, आज अच्छी धूप खिली हुई है। आजकल खूब गौरैया दिख रही है हमारे यहाँ, पहले नहीं दिखती थी, आजकल खूब गौरैया दिख रही है नीचे। उनको क्या होता था, यहाँ पहले ये नहीं था ना, ग्रिल नहीं था, तो मैं क्या करती थी, यहाँ पे दाना रखती थी, तो जब गौरैया आए खाने तो वो कबूतर आके मार के भगा दें। मैंने रखना ही बंद कर दिया, फिर ग्रिल भी लग गया तो फिर जाली लग गई, तो अब कोई वही नहीं है, आ ही नहीं सकते हैं लोग। बस एक छोटी सी चिड़िया है, वो शायद हमिंग बर्ड है। हमिंग बर्ड इतनी छोटी सी होती है, ब्लू कलर की, बड़ी सुंदर चिड़िया है। वो जरूर आती है क्योंकि इसकी जाली से वो घुस जाती है अंदर, इधर इतनी छोटी होती है, वो आके इनकी जो है फूलों में से, फूलों के अंदर इसमें घुस के ना, इसके अंदर उनकी ये चोंच बड़े होते हैं, इनके फूलों में ऐसे घुस के इसमें निकालती हैं, उसके उमंग वगैरह क्या होता है, उमंग निकालती हैं शायद कहते हैं। तो अभी तो इतना फैल गया है मेरा, खूब पौधे वगैरह इतने फैल गए हैं, इनको काटने की भी ज़रूरत है, कभी काट नहीं रही हूँ, सिर्फ क्योंकि इतने ज़्यादा फूल दे रहे हैं ना काटने के, मतलब लालच आ रही है, बहुत लालच आ रही है। तो आज मैंने कपड़े नहीं लगाए हैं, थोड़े कपड़े पहले के धुले हुए थे, वो भी बाहर ही पड़े हैं, उनको भी फोल्ड नहीं किया है, थोड़े से उतार लिए थे, थोड़े अभी पड़े ही हैं। बीबू को खास करके स्कूल के पैंट वगैरह ये जरूर प्रेस कराना है, ये मैं उतार के प्रेस कर देती हूँ, पैंट कर देती हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ क्रीच होता है उसी उसी पे मार देती हूँ प्रेस। लेकिन मुझे शर्ट प्रेस करना नहीं आता, शर्ट में अजीब से क्रीच डलता है, ये यहाँ साइड से जाता है ना, वो मुझे शर्ट प्रेस करना ही नहीं आता, और दूसरे से मुझे प्रेस से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं कभी भी अगर मैंने आज तक कभी भी प्रेस करने चली हूँ, खास करके साड़ी एक बार चला चुकी हूँ, एक आध बार शर्ट चला चुकी हूँ, जब जब मैं प्रेस करने की हिम्मत करती हूँ कुछ न कुछ जल जाता है, फिर से मैंने कहती ये तो ज़्यादा नुकसान हो जाए, इससे बढ़िया भैया प्रेस ही मत करो। तो चलिए अभी थोड़ी देर बाद चलना होगा स्कूल भी, साढ़े नहीं, हाँ वही, अभी तो 1 घंटा है, आराम से जाऊंगी स्कूल बीबू को लेने के लिए। जैसे जैसे दिन आगे चलेगा, आप लोग है ही हो साथ में, तो चलिए मिलती हूँ फिर। तो अभी बीबू को गई थी आज ब्रेसिस चेंज कराने के लिए, तो मैंने डॉक्टर से बोला कि थोड़ा 1 महीना और बढ़ा दीजिए, तो जिससे और टाइट हो जाए, थोड़े गैप थे दांत में, तो मैंने कहा भाई और ज़्यादा अच्छे से टाइट हो जाए, इससे खाना वगैरह ना फंसे, तो डॉक्टर बोले हाँ बढ़ा देते हैं। इस बात पे बीबू नाराज़ हो गए, बोले निकाल दो, अभी दिखा भी नहीं रहा है, उसके दांत अच्छे लग रहे हैं, इसने निकलवा लिया ब्रेसिस तो अच्छे हो गए हैं एकदम दांत, लेकिन दिखा नहीं रहा, नाराज़ हो गया। तो मैंने मनाने के लिए मैंने कहा चलो तुम्हें मिठाई खरीदती हूँ, तो बस खुश हो गया, सारी नाराज़गी इसकी दूर हो गई। तो आ गया है मिठाई की दुकान पे, अब अपने मन की सारी मिठाइयाँ ये लेने वाला है, देखते हैं क्या क्या खरीदता है, इसको ज़्यादातर छेना पसंद है, संदेश पसंद है, तो देखते हैं क्या क्या लेते हैं। तो चलिए इनके मन की मिठाइयाँ खरीद देते हैं। तो आज ये रही मिठाई की कहानी, सिर्फ नाराज़गी दूर करने के लिए
मैंने इनकी इनको मनाने के लिए इनको लेके आ गई हूँ मिठाई की दुकान पे। तो हम लोग ज़्यादातर मिठाइयाँ यहीं रिद्धि सिद्धि स्वीट्स है यहीं से लेते हैं, तो हमारे पास में है और इनकी शुद्ध देसी घी से मिठाइयाँ बनती है, बहुत ही मतलब साफ़ सुथरी रहती हैं, इसलिए मैं ज़्यादातर यहीं आती हूँ। तो हमें ब्रशेस चेंज कराने में काफ़ी लेट हो गया था, तो इसलिए मैंने कहा अब गुड्डा को कोचिंग से लेते हुए सीधा घर जाएँगे, फिर जाके खाना वगैरह भी बनाना होगा, तो चलिए ले कर फिर मिलते हैं। ठंडी मिठाई खाओगे छेने वाली, खांसी आ रही है। हाँ तो वो आप कहते हो कैल्शियम मिलता है। हाँ तो छेना है, सुनिए भैया ये वाला ये जितना छेना है ना सबको मिला के एक किलो कर दीजिए। एक दो संदेश नहीं है क्या? क्या हुआ? ये किस बार मुझे दिखा रहे हो? वही जो बनाती हूँ मैं खजूर बर्फी। कितने रुपए? 240 रुपए। 940। नॉन आप कितने रुपए में बनाते हो? इतना महंगा थोड़ी होता है। सारे इंग्रेडिएंट के साथ बताओ। सारे इंग्रेडिएंट साथ के खजूर जैसे किलो हो, एक किलो खजूर कितने का आ रहा होगा? 500 रुपए मान लो पूरा। हाँ 500 में तैयार हो जाता है, इनका 1000 का है। कुछ एक्स्ट्रा डाला होगा? नहीं नहीं वही जो मैं डालूँ। ये मेरी फेवरेट है, ये मेरे मम्मी ये बेटा है, बेटा भी खट्टा करेगा। फाइन एप्पल वाला भुजिया पापड़ भुजिया ले मतलब वो सेव लेनी, कड़क वाली सेव लेनी जिससे सब्जी बनानी है। सब्जी पापड़ भुजिया की सब्जी जो बनती है ना, सब्जी के अलावा कुछ और नहीं बनता। मम्मी आपका फोन कितना बाहर है सोचो? 56 है मम्मी का फोन का वेट। 100 ग्राम हमेशा लेकर घूमती हूँ मैं। 256 इसके साथ फ्री मेथी और मिर्ची मिलेगी क्या? नहीं बेसन के लड्डू खा लो। मोतीचूर वाले लड्डू नहीं है क्या? ये है ऊपर है। कलर डाला है? डाला है। सब लोग सीधा मुंह पे क्यों बोल रहे हैं आजकल कि इसमें कलर डाला है? हम मंदिर गए थे तो बोले थे कलर डाला है इसमें। मेरे फेवरेट लड्डू, मेरे फेवरेट लड्डू, मेरे फेवरेट लड्डू। कलर डाल के कैसा दिखेगा? नहीं नहीं जो कलर डालते हैं ना थोड़ा सा कलर तो आप लोग डालते ही हैं, घरों में बनाते हैं तो नहीं डालते। आप घर में बना देना। और कुछ चाहिए? हमारी नमकीन अभी आई नहीं है। चलोगे उस साइड? नहीं खोल क्या है? बिबू ने क्या क्या मिठाई ली है? Oh my God, I got a lemon.
मेरा लंटू, मेरा लंटू सब तरह का छेना, हर तरह का छेना। कौन सा पहले खाए? छेना किस चीज से बनता है? अरे मम्मी ये दिखाओ, दो फाड़ के ये दिखाओ, पनीर होता है ये, इसके अंदर कुछ है? मटका, मटका बस। सॉरी डोंट गेट दिस बड़ा। खा तो ढक्कन ले लो, ढक्कन हाथ नीचे लगा लो। वेरी स्मूथ। कैसा है? टेक्सचर इज वेरी गुड। बढ़िया है। इतना तो ये देखो अभी पैकेट ही पैकेट फैल गया है। तुम अब कौन सा खाओगे? अलग है। थोड़ी देर टेस्ट लिया करो, मुंह में सीधे ही निकल जाते हो। एकदम ऐसा है लेकिन ज्यादा मीठा। मैंने ये अरबी है, अरबी मैंने तल लिया है और ये मसाला बना रही हूँ। थोड़ा मसाला ज्यादा ही बनाया है तो थोड़ा सा निकाल लूंगी और इतना से मसाला बचाऊंगी जिसमें दही मिला के फिर दही वाली ये अरबी बना दूंगी। मसाला हो जाए थोड़ा टाइम है। क्या अभी मेरे पास टाइम कब था? चली गई डेंटिस्ट के पास तुम्हें लेके। अब वहां आने के बाद अब खाना बिल्कुल नहीं खाओगे? एक काम करती हूँ, मैं अरवी तल दी हूँ, मसाला अलग अलग रख देती हूँ, अब बना के रखूंगी नहीं फिर फालतू क्यों खराब हो। किसी को भूख नहीं है, कोई खाना नहीं चाहता है। रास्ते से मिठाई ले लिया था, सबने मिठाई खा लिया है, दोनों ने, दोनों लोगों ने खा लिया है मिठाई। बस ये मसाला हो जाए, मसाला ठंडा हो जाएगा, फ्रिज में रख दूंगी और ये अरबी भी तल के ऐसे ही रख दूंगी जिससे सुबह बस बनाना बस आसान रहेगा। दही मिलाऊंगी मसाले में और फटाफट सब्जी बन जाएगी। तो गैस को करती हूँ बंद, इसको ढक दिया है, अब ये पक चुका है लगभग, तेल छोड़ने लग गया है। गैस को करती हूँ बंद और अभी ठंडा हो जाए सब रख दूंगी फ्रिज में। चलिए इसी के साथ ही आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करते हैं। होप ब्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।